दोस्तों ये मैंने इसके पट्टी कर दी है, ऊपर वाली है, ये नीचे टूट गया है, पर ये मांस के साथ जुड़ी है तो मैं इसको मांस के साथ काटना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये जुड़ेगी नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोल ऑर्गेनिक फार्म चंडीगढ़। दोस्तों मैं इसका आज नया टॉपिक लाया हूँ जिसमें मैं आपको ये दिखाऊँगा। ये मेरा मुर्गा है और ये आपके सामने दिख रहा होगा। ये लड़ाई में कड़कनाथ के साथ लड़ पड़ा और जिससे इसकी चोंच टूट गई है, और इसमें दो प्रॉब्लम है मुर्गे में और एक इसकी दूसरी जुई है, ये भी दिखाऊंगा मैं आपको। और इसके एक शरीर में जुएं बहुत सारी हो रखी है जिससे इसका मेरे को पकड़ने पे आज पता चला है कि इसका वेट भी कम है, इसका जो लेग का साइज़ है, और ये तकरीबन 2.5 किलो करीब का है जो कि इसका वज़न कम है इसके हिसाब से। ये 12 महीने का है मुर्गा और ये बड़ा परेशान था बेचारा 2 दिन से। तो आज मैं इसको ट्रीटमेंट करूँगा, ये आपके सामने दिखाऊँगा। ये देखिए बुरी तरह चोट लगा है और इसका पोटा खाली पूरा पड़ा है जिससे मर भी सकता है खाना ना खाने के कारण कमज़ोरी से, और दूसरी बीमारी लग सकती है इसको। ये देखिए मुर्गा कितना शांत है ये। तो दोस्तों मैं इसका इलाज करूँगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये इसकी चोंच ऊपर वाली है, जो ये देखिए ऊपर वाली है, ये नीचे टूट गया है पर ये मांस के साथ जुड़ी है, तो मैं इसको मांस के साथ काटना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये जुड़ेगी नहीं, और इसको काटूंगा और उसके साथ कुछ एंटीसेप्टिक के साथ रुई लगा के पट्टी कर दूंगा और इसको अकेला खुले में छोड़ दूंगा जिससे कि बाकी मुर्गियों से, बाड़े के अंदर नहीं छोड़ूंगा इसे, नहीं तो दोबारा लड़ पड़ेंगे, बेचारा डर रखा है ये। तो चलिए करते हैं इसका इलाज। इलाज करके मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। दोस्तों ये मैंने इसके पट्टी कर दी है कोई ऐसे जो गार्ड लगा के, टेप लगा के, और देखते हैं खून रुक जाएगा मेरे को जहाँ तक उम्मीद है। और हल्दी लगा दी इसके साथ मैंने, बेचारा ये बहुत रो रहे हैं, देखिए हल्दी लग गई इसके भी, और उसका कोई ऑप्शन नहीं था। तो कोशिश करूँगा मैं, ये मुर्गी मेरा मुर्गा ठीक हो जाएगा जल्दी, मैं दुआ करता हूँ। मिलते हैं अगली अपडेट में, धन्यवाद।